इस बीच एक और बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन भी जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है। रांची में विधायक अनूप सिंह के घर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है। कल भी अनूप सिंह के कई ठिकानों पर आईटी और ईडी ने दबिश दी थी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है, लगातार दूसरे दिन भी जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है। आपको यह भी जानकारी दे दे, रांची में विधायक अनूप सिंह के घर पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है। कल भी अनूप सिंह के कई ठिकानों पर आईटी और ईडी ने दबिश दी थी, जिस दौरान कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आई है। और आज दूसरा दिन है जांच एजेंसियों का, आज भी एक्शन जारी है, दूसरे दिन भी ये जांच लगातार जारी है। रांची में विधायक अनूप सिंह के घर पर आयकर विभाग की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। राजेश, देखिए आज दूसरा दिन है और लगातार आज भी जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट और ज्यादा जानकारी है? देखिए शिवानी, जो रेड है वो लगातार जारी है, क्योंकि कागजात जो है खंगाले जा रहे हैं, अलग अलग ठिकाने हैं। अगर आप अनूप सिंह की बात करें, बेरमो विधायक हैं, इनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कल जो टीम आई थी, ये टीम शिफ्ट के हिसाब से काम कर रही है। कल देर रात तक छापेमारी होती रही, फिर कुछ टीम से लोग गए और कुछ नए लोग आए वहां पर, और लगातार जो अनुसंधान है वो जारी है। देखिए यहाँ पर कर चोरी हुई है और कर चोरी के मामले में जो आरोप थे उसको लेकर छापेमारी जो है वो अलग अलग ठिकानों पर है। उसमें पटना, रांची, जो अनूप सिंह का जो पैतृक आवास है बैरमो, वहां पर छापेमारी चल रही है। और छापेमारी के दौरान खासतौर पर ये ख्याल रखा जा रहा है कि चूंकि जो उनके पास सूचनाएं थी आयकर के टीम के पास, वो तमाम जो दस्तावेज हैं, जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो निवेश है, और उसके कागजात को देखा जा रहा है। और शिवानी, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कल टीम पहुंची थी बैरमो, तो एक गाड़ी में बीजेपी के स्टिकर मिले थे, उसको लेकर थोड़े से पूरे मामलों का जो एक राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, तो वो भी है। आज जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, उस बयानबाजी को और शायद समझ कर जो सत्ता पक्ष है उसको तेज करने की यहाँ पर कोशिश करेगा। लेकिन जो छापेमारी है बैरमो के अलावा, प्रदीप यादव हैं, प्रदीप यादव पड़ी हाट से विधायक हैं, उनके घर पे भी छापेमारी चल रही थी, उनके कई रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ छापेमारी चल रही थी। छापेमारी का जो काम है वो आज भी जारी है, और जैसे ही छापेमारी खत्म होगा उसके बाद आयकर की टीम की तरफ से संभवतः प्रेस रिलीज जारी किया जाए, जो उनके पास रिकवर हुआ, जो दस्तावेज उनके पास हाथ लगे हैं, उसको लेकर प्रेस को जानकारी दी जा सकती है। शिवानी, बिल्कुल राजेश, देखिए इस छापेमारी के बाद से अनूप सिंह का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी की तरफ से उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए राजनीति भी अब लगातार जारी हो गई है। देखिए शिवानी, ये जो बीजेपी के तरफ जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये पहले भी उन्होंने कहा है, और चूंकि झारखंड में जो दो घटनाएं हुई, सबसे पहले अनूप सिंह ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था तकरीबन एक साल पहले, जब यहाँ पर सरकार गिराने की एक कोशिश चल रही थी। उसमें गढ़वा के कारोबारी थे, एक बैरमो के बोकारो के कारोबारी थे, उन पर उन्होंने केस दर्ज कराया था, वो अनुसंधान चल ही रहा था। इस बीच तीन विधायक पैसों के साथ पकड़े गए और उन पर भी ये आरोप था कि वो भाजपा से पैसा लेकर वो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये आरोप था, उस वक्त बंगाल पुलिस ने इंटरसेप्ट किया था और वो जो तमाम विधायक हैं फिलहाल जमानत से बाहर हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो अनूप सिंह ने कराया था। तो कुल मिलाकर अनूप सिंह टारगेट में जरूर थे, लेकिन जो इनकम टैक्स का मामला है शिवानी, वो अनूप सिंह एक बड़े कारोबारी हैं, कोयला से उनका जो जुड़ाव है बहुत बरसों पुराना है, उनके पिताजी भी विधायक हुआ करते थे, उस जमाने से उनके यहाँ कोयले का कारोबार होता था। आयकर विभाग को ये सूचना थी कि बहुत बड़े पैमाने पर कर की चोरी की जा रही है और उसको लेकर दबिश बनाया गया है। जाहिर है कि चूंकि झारखंड में जो राजनीतिक हालात है उसको लेकर बयानबाजियों का दौर जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष के तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से, वो जारी रहेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प होगा कि इस पूरे छापेमारी के बाद अनूप सिंह के आवास से क्या कुछ मिलता है, उसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो जानना चाहेंगे। शिवानी राजेश, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।